ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सारस मेला 2018 का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवा आजीविका योजना की शुरुआत भी की। योजना के अंतर्गत युवाओं को सशक्त करने के लिए व्यापार, दुकान, रेस्टोरेंट, यात्रा संचालक, साहसिक पर्यटन, पारंपरिक हस्तशिल्प इत्यादि व्यवसायों में स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महत्वाकांक्षी योजना 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी हिमाचली युवाओं को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि पात्र युवाओं को बैंकों से 30 लाख तक का ऋण 25% सब्सिडी में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ऋण राशि पर 3 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त 5% ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमी के मामले में सब्सिडी 30% होगी और राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनमंच का लोगो भी जारी किया। उन्होंने सैलानियों को लाभान्वित करने के लिए नमस्ते धर्मशाला पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना की दिशा निर्देशिका भी जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले राज्य सरकार ने प्रदेश में बिना किसी बजट प्रावधान के शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाएं खोली हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कांगड़ा जिला के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहार है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी पर कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मुझे खुशी है कि सरस मेला हमारी केंद्र सरकार की योजना, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में अभी तक सरस मेले का आयोजन नहीं हुआ और ये पहली बार इस प्रकार का आयोजन, जहां पूरे देश भर से भी बड़ी तादाद में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से यहां पर प्रोडक्ट्स लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी हमारी माताएं बहने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो जुड़ी है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको भी एक बहुत बड़े का अवसर मिलेगा अपने प्रोडक्ट को दिखाने का और दिखाने के साथ साथ उसको बेचने का आय का स्रोत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया। सर, पूर्व सरकार के ऊपर आपने कहा है कि वो उनके ज्यादातर दिन जो वो कोर्ट में लगे, तो उसके ऊपर आपका वो हमने बात कही है कि पूर्व सरकार की परिस्थितियां ऐसी थी कि हर रोज की खबर होती थी, विकास की खबर, काम की खबर, ये सारी खबरें बहुत कम होती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी एक 5 साल के कार्यकाल में एक ही खबर बनी रही कि आज यहां पेशी है, कल वहां पेशी है, कल इस प्रकार से, कब उस प्रकार से, एक दूसरे के प्रति जो है वो इस प्रकार का हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध का एक प्रभाव रहा और जिसके कारण जो है हिमाचल को जहां विकास की दृष्टि से फोकस करने की आवश्यकता थी वो फोकस नहीं दे पाए और आज की तारीख में वो परिवर्तन है। आज आप देखते होंगे कहीं इस प्रकार की खबर, अगर खबर है काम की खबर है, विकास की खबर है, हिमाचल में विकास को गति देने के लिए प्रयास, इन सारी बातों पर लिखे थे, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो हमने पहले दिन से कही थी कि बदले की भावना से काम नहीं होगा, हमारा फोकस काम पर और सिर्फ काम पर होगा, वो हम कर रहे हैं। सर, कांगड़ा जिला की कुछ महत्वाकांक्षी। वहीं जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन का निर्माण शीघ्र करने की बात कही ताकि ये महत्वाकांक्षी योजना जल्द शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि धर्मशाला तथा देहरा में एक ही दिन में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चंबा जिला में सीमेंट कारखाना लगाया जाएगा, साथ ही राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष फरवरी माह में धर्मशाला में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला के अध्यापकों ने केरल के बाढ़ पीड़ितों व मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 के चेक भी भेंट किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी बेला में कांग्रेसी नेता प्रदेश की जनता को ठगने का तरीका ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद कहती है कि यदि जनता झांसे में आ गई तो सरकार उनकी बनती है, नहीं तो सरकार भाजपा की बनती है। सीएम ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जाते समय संस्थान खोले और फट्टे लगाने का काम किया है और उसे विकास का नाम दिया है। कांग्रेस के उस विकास को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और सत्ता से बाहर किया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा की सरकार जिस तरह काम कर रही है उससे कांग्रेसी भी ये मानने लगे हैं कि ये काम करने का तरीका है। कांगड़ा जिला में हमारा जो शीतकालीन प्रवास होता है उस दौरान के लिए हमने अधिकारियों को कह दिया है कि जो जो योजनाएं उद्घाटन के लिए तैयार है उनका उद्घाटन होगा और जो योजनाएं शिलान्यास के लिए तैयार होंगी नई योजनाएं शिलान्यास होंगी और उसके साथ साथ में जहां विकास की दृष्टि से कुछ और चीजें सोचने की होंगी करने की होंगी वो भी सारी चीजें। केंद्रीय विश्वविद्यालय और फोरलैन जैसे बड़े, मैंने कहा आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में मैंने स्पष्ट कर दी परिस्थिति, अब वो दौर समाप्त है, इधर होगा उधर होगा कहां होगा कैसे होगा ये सारी बातें खत्म हो गई। दोनों जगह देहरा और धर्मशाला में कैंपस होगा, दोनों जगह जमीन को अंतिम रूप दे दिया, जमीन की जो फॉर्मेलिटी थी औपचारिकता उनको अंतिम रूप दे दिया और दोनों जगह शिलान्यास एक साथ। सर सर ने कहा कि 9 महीने के अंदर 9000 अपने आप 46,000 करोड़ रूपये के कर्जे के नीचे इस प्रदेश को लेकर उनको ये बोलने का अधिकार है और जहां वो 3,500 करोड़ की अगर बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको आंकड़ा सही जानकारी हासिल करनी चाहिए। लोन कितना लिया है, मुझे उनको यही कहना कि यही एक कमी है, वहां जो मुंह में आता वो बोलते हैं लेकिन वो तथ्य पर आधारित नहीं।